एडीजी जोन कानपुर ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और बताया कि महिलाओं की गुमशुदगी नहीं एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। फरुखाबाद एडीजी कानपुर जोन जय नारायण सिंह ने आज यह स्पष्ट रूप से कहा कि अब महिलाओं व बच्चियों के गायब होने के मामलों में गुमशुदगी की सूचना दर्ज होने के बजाय एफआईआर दर्ज की जाएगी। एडीजी ने बताया कि पुलिस लाइन में राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मीडिया को बताया कि मैंने खासकर तीन बिंदुओं पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अभी तक पुलिस महिलाओं व बच्चियों के गायब होने के मामलों में गुमशुदगी दर्ज करती थी। पुलिस के द्वारा रिपोर्ट दर्ज न किए जाने के कारण बड़ी घटनाएं हुई हैं। सभी बच्चियों व महिलाओं के गायब होने के तुरंत बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। थाना अध्यक्ष अधिकारियों को सूचना देने के बाद अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे और रात और शत प्रतिशत बच्चों व महिलाओं की बरामद की जाएगी। हर्ष वर्मा, फरुखाबाद, समाचार 24। आपने अभी तक निरीक्षण परीक्षण किया, क्या पुलिस की हालत है? देखिए, विशेष रूप से आज हमने सभी राजपत्रित अधिकारियों की बैठक यहाँ पर आयोजित की, जिसमें तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने उन्हें अवगत कराया और एक कार्य योजना तैयार करने के लिए बोला। सर्वप्रथम, जैसा आप सभी इस समय जानते हैं कि महिला उत्पीड़न की जो घटनाएं विभिन्न जनपदों में हुई हैं, तो पहला स्पष्ट निर्देश सभी को दिया गया है कि तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर का तात्पर्य यह है कि जो लोग गुमशुदगी दर्ज करते हैं, गुमशुदगी नहीं, सीधे इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। क्योंकि कई जनपदों में आपने देखा होगा, हाल में ही बाद में आया कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरती और उसके साथ फिर दुखद घटनाएं हुई। तो इस संदर्भ में स्पष्ट निर्देश, जैसे कि किसी भी रूप में कोई गफलत न हो, कि तत्काल एफआईआर दर्ज की जानी है। और थानाध्यक्ष जैसे ही सूचना मिलेगी, तत्काल अपने राजपत्रित अधिकारी को और पुलिस अधीक्षक को भी किसी भी महिला के गुमशुदगी की कोई खबर अगर मिलती है तो तत्काल उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराएंगे, जिससे कि उच्च अधिकारी भी अपने तरफ से एक कार्य योजना तैयार करके उनकी बरामदगी को लेकर के जो अपहरणकर्ता हैं, जो लोग उनको बला फुसला कर ले जाते हैं, उनके खिलाफ हम एक कार्य योजना तैयार करके तत्काल बच्चियों की, महिलाओं की, अन्य लोगों की तत्काल हम बरामदगी सुनिश्चित कर सकें। पहला ये बिंदु मैंने आज स्पष्ट रूप से इन्हें अवगत कराया। दूसरा, जाड़े का मौसम लगभग शुरू हो गया है। इस समय बावरियों की घटना, बाहरी इलाकों में डकैती की घटना, लूट की घटना अक्सर होती रही हैं। इसको लेकर के हमने स्पष्ट कर दिया कि जो थाने की दोनों गाड़ियां होती हैं, पीआरबी गाड़ियां होती हैं, यहाँ चौकियों की जो गाड़ियां हैं, इनको इस रूप से तैयार किया जाए। तीन दिन के अंदर हमने कहा एक कार्य योजना सभी राजपत्रित अधिकारी इसकी तैयार करेंगे, नई गाड़ियों का डिप्लॉयमेंट इस रूप में करेंगे कि पूरा थाना क्षेत्र का जो बाहरी इलाका है वो उससे कवर हो जाए, जिससे कि हमारी गश्त व्यवस्था इन बाहरी इलाकों में और मजबूती से हम उसको चला सकें। तीसरा, कतिपय जनपदों में आपने देखा होगा कि अवैध शराब को लेकर के मौतें हुई हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पर कार्रवाई, पूर्व में भी, दिवाली के पूर्व भी यहाँ के अधिकारी उसमें सक्रिय थे। हमने कहा यह जो इसको लेकर के दबिशें हैं, इसको लेकर के जो कार्रवाई है वो अभी आगे भी जारी रहेगी। तो विशेष रूप से